guys, welcome to High Tech Blocks. Guys, today we are going to discuss about thermometer. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक थर्मामीटर है। ये सभी टेक्नीशियन के पास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ आपका एसी का टेम्परेचर इतना आ रहा है, रूम का टेम्परेचर इतना है, तो इस हिसाब से हर टेक्नीशियन के पास ये थर्मामीटर होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसका सेटिंग क्या है। तो जैसा देख रहे हैं, ये सेम जैसा हमारा बुखार डॉक्टर नापते हैं, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इसको पुश करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि अभी दिख रहा है आपको डिस्प्ले में कि हमारा 27 टेम्परेचर शो कर रहा है रूम में, ये रूम का टेम्परेचर शो कर रहा है 27। तो अभी हम एसी के पास ले आके आपको दिखाएंगे चालू करके कि एसी का टेम्परेचर कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा रूम का टेम्परेचर 27 शो कर रहा है। तो अभी हम इसको एसी के पास ले आके देखते हैं। हमने एसी को ऑन कर लिया है और एसी के पास ले आके देखते हैं किसका कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो अभी देख रहा है जैसे आप 22 आया, अभी धीरे धीरे और डाउन जाएगा। देखिए, जैसा कि अभी हमारा टेम्परेचर आ गया है 14 से अभी और डाउन जाएगा, 13-12 तक आएगा। अभी देखिए जैसे 13 आ गया, 13 से और डाउन जाएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, 10 तक आएगा। तो मतलब हमारा एसी परफेक्ट कूलिंग कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये टेम्परेचर 20, 21, 22, 23 आता है तो मतलब हमारे एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें चेक करना चाहिए। जैसे कि देखिए 12.6 आ गया, अभी थोड़ा और डाउन जाने का चांस है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप ऐसे एसी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और रूम का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना।